So now let we come to a next important concept of this particular AS, that is CGU. CGU full form is cash generating unit. Now normally apne abhi tak jitna bhi impairment pada, for impairment testing we need two things, carrying value and recoverable value. अपन if carrying value is greater, if carrying value is greater than recovery value, तो अपन impairment करते हैं or else we ignore. Now in real case, almost majority of asset में आपके पास recovery value नहीं मिल पाएगा, you won't be able to find. So in such case अपन क्या करेंगे, here because recovery value आपको हर एक asset के लिए नहीं मिल पाएगा, here comes the concept of cash generating unit. ठीक है, let's take this by an example. See, you are a saree manufacturer dealer in Surat. आप सूरत में manufacturer हो, saree बनाते हो, okay? So here you have एक आपके factory में चार machine है, machine A, machine B, machine C and machine D. जो first machine है, वो wrapping का काम करता है and weaving का काम करता है. That is, अगर हम जो आप cotton का साड़ी बना रहे हो, तो whatever is the cloth, वो क्लॉथ को मशीन पे लगाना बरोबर उसको प्रोसीजर, एक वीविंग प्रोसीजर होता है, अगर आपको टेक्सटाइल का नॉलेज होगा. मशीन ए डज दैट. मशीन बी क्या करता है, मशीन बी इज डाइंग करता है. डाइंग मतलब इन टेक्सटाइल डाइंग को बोलते हैं, मतलब उसको कलर देना, साड़ी को कलर देना, कौन से कलर का साड़ी है, दैट इज जो मशीन बी ध्यान रखेगा. थर्ड इज एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी बेसिकली जो मशीन साड़ी पे कौन सा डिजाइन, कौन सा प्रिंट करना है, वो सब मशीन सी देखेगा. एंड लास्ट मशीन डी इज द लेबल वाला, जो साड़ी पे लेबल लगाएगा और अगर कोई ब्रांड का नाम लिखना है तो वो सब करेगा. ठीक है, सो दिस फोर मशीन दे वर्क टुगेदर और फाइनली वो साड़ी बनता है, साड़ी बिकेगा और आपको कैश फ्लो मिलेगा. नाउ टेक एन एग्जाम्पल, अगर मशीन कंपनी में शॉक सर्किट हो गया एंड बिकॉज ऑफ द शॉक सर्किट ये जो मशीन सी है एम्ब्रॉयडरी वाला, इधर मशीन में इधर शॉक सर्किट हो गया और ये असेट डैमेज हो गया, ये असेट ही इंपेयर हो गया. कंपनी में कुछ शॉक सर्किट हुआ उसके वजह से ये मशीन सी इंपेयर हो गया. सो नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू, इंपेयरमेंट टेस्टिंग बिकॉज देयर इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट. तो आप क्या करोगे, कैरिंग वैल्यू देखोगे मशीन सी का एंड आप रिकवरेबल वैल्यू ढूंढेंगे. व्हाट इज रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू इज नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज. नाउ द प्रॉब्लम कम्स, नाउ हियर द प्रॉब्लम कम्स की वैल्यू इन यूज क्या है. टेल मी, इज मशीन सी एबल टू जेनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो. मशीन सी जो एम्ब्रॉयडरी वाला था वो सब मशीन साथ में, सब मशीन ए बी सी डी साथ में काम करेंगे तब जाके साड़ी बनेगा और कैश फ्लो आएगा. बट इज मशीन सी एबल टू जेनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, नो. मशीन सी का जो वैल्यू इन यूज है या जो भी कैश फ्लो है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ए बी सी डी. अकेले में मशीन सी खुद वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएगा. सो आप बोलेंगे ओके, इफ दैट इज द केस यू टेक वैल्यू इन यूज एज जीरो, नेट सेलिंग प्राइस आपके पास मशीन का होगा, समझो नेट सेलिंग प्राइस 20 है, तो आप इसको 20 ले लो और कैरिंग वैल्यू से कंपेयर कर दो. यू कैन नॉट डू दिस, आई टेल यू व्हाई. वैल्यू इन यूज एक्चुअली जीरो नहीं है, इट इज नॉट एबल. वैल्यू इन यूज आप बोल रहे हो जीरो, तो आप बोल रहे हो मशीन से कुछ काम का ही नहीं, इट इज नॉट जनरेटिंग एनी, इट इज नॉट इवन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कुछ जनरेट कर ही नहीं रहा है. ऐसा नहीं है, इट इज नॉट जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, बट समवेयर इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू. जब मशीन ए बी सी डी साथ में काम करेंगे तब जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें मशीन सी तो हेल्प करने वाला है. तो आप नहीं बोल सकते कि मशीन सी का वैल्यू जीरो है, आप नहीं बोल सकते मशीन सी का वैल्यू जीरो है, बिकॉज इट इज जनरेटिंग और इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द कैश फ्लो. तो ये केस में इंडिविजुअल आप इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट रिकवरेबल वैल्यू. तो नाउ इन सच अ केस व्हाट टू डू, तो अपन नाउ हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सीजीयू. सीजीयू क्या है, सीजीयू इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट which is capable of generating independent cash flow. मतलब ये मशीन जब चारों साथ में काम करेंगे तब they can generate independent cash flow, correct?
ये चारों मशीन को मैं क्या बोलूंगा, ये चारों जो मशीन है दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ माय सीजीयू। ये मतलब एक पर्टिकुलर एक कैश जनरेटिंग यूनिट हो गया जो कैश जनरेट करने वाला है इंडिपेंडेंटली। ये चारों जब साथ में काम करेंगे दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन, बट इट्स अ ग्रुप ऑफ असेट विच विल जनरेट रेवेन्यू इंडिपेंडेंटली। आर वी क्लियर? इस कंसेप्ट को बोलते हैं सीजीयू। सो इवैल्यूएशन ऑफ इंपेयरमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ इंपेयरमेंट, तो आप सीजीयू लेवल के पास कब जाओगे? अभी देखो, अगर ये केस में समझो ये मशीन चारों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते और आपके पास वैल्यू इन यूज होता, इन दैट केस यू कैन फाइंड द रिकवरेबल वैल्यू, यू हैव द कैरिंग वैल्यू, यू वुड कैरी ऑन विद इंपेयरमेंट। बट ओनली बिकॉज एक पर्टिकुलर मशीन का वैल्यू इन यूज नहीं है, बिकॉज इट्स कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट ऑन अदर मशीन, तो इसका वैल्यू इन यूज नहीं होगा, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे इंपेयरमेंट नहीं कर पाओगे, हेंस यू विल गो टू सीजीयू लेवल। तो सीजीयू लेवल पे आप तभी जाओगे जब इंडिविजुअल मशीन का वैल्यू इन यूज पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिविजुअल मशीन का वैल्यू इन यूज आपके पास पॉसिबल है तो आप रिकवरेबल वैल्यू भी ढूंढ सकते हो, कैरिंग वैल्यू से कंपेयर भी कर सकते हो, इंपेयरमेंट भी कर सकते हो। आर वी क्लियर? सो नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन कि व्हाई आर वी सो मच कंसर्न विद वैल्यू इन यूज। चलो ना, अगर इसको जीरो भी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इसको अगर जीरो भी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है वैल्यू इन यूज को? फर्क पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली ये वैल्यू इन यूज जीरो नहीं है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैश फ्लो। बी जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, अपन इसका ये मतलब नहीं होता विल टेक इट एट जीरो ओनली। और समझो आपने अगर जीरो ले भी लिया, अगर आपने इसको जीरो ले भी लिया तो आप और बोलेंगे कि सर नेट सेलिंग प्राइस से वी विल कंपेयर, तो ऑलवेज हमेशा आपको इंपेयरमेंट दिखेगा। सी, आप कोई भी मशीन लाते हो उसका समझिएगा, मशीन को आप यूज करोगे तो उसका सेलिंग प्राइस आपको हाथ में कम ही आने वाला है। वैल्यू न्यूज से भले बेनिफिट ज्यादा आएगा, पर सेकेंड हैंड मशीन हो जाता तो वैल्यू न्यूज हमेशा नेट सेलिंग प्राइस हमेशा कम ही आएगा। तो यू विल से देयर इज ऑलवेज इंपेयरमेंट, बट देयर इज नो इंपेयरमेंट बिकॉज वैल्यू न्यूज होने वाला है, वैल्यू मशीन का यूज है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ लार्जर कैश फ्लो, दैट इज सीजीयू में हेल्प कर रहा है। जस्ट बिकॉज वो इंडिविजुअली कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है, उसका यूज किधर होने वाला है? अपना सीजीयू में। सो समझो देयर इज वन मोर मशीन ई, ठीक है, ये खाली क्या करता है, स्पेशल कस्टमर के लिए पैकिंग करता है। ये खाली स्पेशल आपके कोई समझो ना अब्रॉड के कस्टमर है तो उनको आपको अच्छा पैकिंग देना है, तो ये स्पेशल कस्टमर के लिए पैकिंग करते हैं। तो नाउ मुझे बताओ, विल यू इंक्लूड ई ऑल्सो इन द सीजीयू का थिंग? नहीं, ऐसा नहीं होता। जस्ट सीजीयू मतलब क्या, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जो आपको साथ में इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करेंगे। अपने केस में क्या था, मशीन सी वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो आपने बोला चलो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो अब हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मैं मशीन एबीसीडी को साथ में करूंगा तो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट होगा। इन आर केस मशीन ई जो यूज होने वाला है दैट इज ओनली फॉर स्पेशल पैकिंग, वो भी अगर आपको अब्रॉड भेजना है। मतलब मशीन ई का कैश फ्लो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एबीसीडी, या एबीसीडी के कैश फ्लो था नॉट डिपेंडेंट ऑन ई, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। तो आप यू कैन नॉट इंक्लूड ई इन सीजीयू। सीजीयू का डेफिनेशन ही क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप। मतलब जब तक यू कीप एडिंग ऑन असेट, जब तक इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट होगा तब तक वो सीजीयू का पार्ट होगा। अगर वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है तो यू कैन कॉल इट सीजीयू। उसके अलावा देन डोंट गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, जस्ट डोंट कीप ऑन एडिंग असेट, ओनली एड ऑन द असेट जब तक वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। आर वी क्लियर? सो दिस इज द सीजीयू का डेफिनेशन। जस्ट लेट्स रीड द थियोरी ऑन पेज नंबर 5.5। कम ऑन, पेज नंबर 5.5 इन योर थियोरी बुक। सो वॉट इज सीजीयू? इन अ रियल केस सिनेरियो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ रिकवरेबल वैल्यू फॉर एवरी यूनिट। इनफैक्ट फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ असेट वी कैनॉट फाइंड रिकवरेबल वैल्यू। तो सीजीयू क्या होता है, सीजीयू इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग लार्ज इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। इवैल्यूएशन ऑफ इंपेयरमेंट इज टू बी डन एट सीजीयू लेवल ओनली इफ द इंडिविजुअल एसेट, इफ द इंडिविजुअल एसेट मतलब मशीन सी वेयर देर आर इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। शॉर्ट सर्किट हुआ था तो मशीन खराब हो गया था तो इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट थे, बट अपन सीजीयू लेवल पे तभी जाएंगे, वी विल गो एट सीजीयू लेवल ओनली when the
asset is not capable of generating independent cash flow and hence value in use आप कभी भी उसका determine नहीं कर पाओगे. Are we clear? This is the whole concept of CGU. We look at some example तो आपके concepts और clear हो जाएंगे. Let's come on to illustration number 6. Illustration number 6. Page number 5.5. A bus company provides service under contract with a municipality that requires minimum service on each of the 7 routes. 7 separate routes. तो मतलब अगर कोई bus contract का company, bus company है, तो it has to operate on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are total 7 routes जिसको bus को operate करना पड़ेगा. Assets devoted to each route and the cash flow from each route can be identified separately. आप हर एक route का cash flow अलग से निकाल सकते हो. आपने कितना bus का value कितना allocate किया वो सब निकाल सकते हो. One of the route operates at a significant loss. एक जो route है ना वो एक significant loss operation में. ये route से कोई profit नहीं हो रहा है पर खाली खाली loss हो रहा है. Should the company determine the recoverable amount for an individual asset or for a CGU? अभी अपन डिसाइड करेंगे पहले कि CGU है कि नहीं है. Now what is the condition? Question में clearly बोला है municipality provides service under contract कि आपको minimum हर 7 route पे आपको operate करना ही पड़ेगा. You don't have an option but आपको 7 route पे service देना पड़ेगा. So even if there is a loss, even समझो ये route 1 है, route 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझो एक route में आपको loss भी हो रहा है, पर अगर आप इसका value in use निकालने जाओंगे, this is dependent on all the other routes. You are ready to incur loss on route number 3, provided आपको मालूम है कि बाकी route से compensate हो जाएगा. आप directly route 3 नहीं निकाल सकते. Government municipality का decision है कि या तो आप साथ के साथ बस चलाओ या तो कोई भी मत चलाओ. तो आप बोलेंगे एक route पे loss हो रहा है but एक route का जो loss हो दूसरे route पे compensate होने वाला है. You cannot remove route number 3 और बाकी आप route पे operate करोंगे वो possible नहीं है. तो basically route 3 is not able to generate independent cash flow. The cash flows जो भी value news आप निकालोंगे route 3 के bus का that is dependent on all the other cash flow. Are we clear? तो अपन बोल सकते हैं दिस इज कि ये 7 का 7 मिला के एक CGU बनेगा. CGU इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट व्हिच विल जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो. ये 7 रूट मिला के इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करेंगे. खाली एक रूट के कैश फ्लो से लेना देना नहीं बिकॉज़ यू हैव टू ऑपरेट ऑन ऑल द मिनिमम 7 रूट्स. सो व्हाट इज द लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर सॉल्यूशन बुक 5.4. एज पर इंडिया 36 CGU इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट which are capable of generating large independent cash flow. In the given case, there is a minimum service requirement to operate the buses in all the 7 routes. That is, ya to aap all the 7 routes pe operate karo or none of them. Therefore, the cash flows which are generated by each of the buses on the 7 routes are interdependent. इधर जो भी कैश फ्लो जनरेट हुआ इधर जो भी ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है. तो अगर एक का लॉस हुआ दूसरे का प्रॉफिट हुआ वो कंपेंसेट हो जाएगा. You cannot, आप नहीं बोल सकते कि मेरे को 3 नंबर निकालना है because उसका loss हो रहा है. That's not possible because if you remove the 3rd नंबर का bus route, आपको हर एक का निकालना पड़ेगा. Contract भी चला जाएगा हाथ से. तो route number 3 का भी जो भी cash flow है, that is dependent on all the other 7 route. जैसे रोटरी समझो नेपेंसी रोड वाले, नेपेंसी रोड में कोई बस में जाता नहीं है तो उधर आपको बस चलाना पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है. बट यू नो कि नो वन विल ट्रेवल और ट्रैवल ऑन बस टिल देयर. तो दैट्स व्हाई उसका वो रूट मेकिंग वो जो रूट है वही लॉस मेकिंग है. व्हाट इफ देयर वाज नो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट. अगर बोले कि आपको जिधर बस चलाना है आप चलाओ, देयर इज नो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट. आपको रूट नंबर 1 पे चलाना है, 2 पे चलाना है, 5 रूट पे चलाना है, 7 रूट पे चलाना है, आपके ऊपर है. सो इन दैट केस आप बोल सकते हो कि यस आई कैन कैलकुलेट वैल्यू इन यूज ऑफ रूट 3 and you can do impairment testing for individual routes because koi minimum service requirement hai nahi and cash flows ek dusre se independent hai, interdependent nahi hai. What if the entity operates another 5 buses in separate municipality. Ek aur area mein aapne contract liya 5 buses ka aur
सो सीजीओ आप क्या बोलेंगे, टोटल सीजीओ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7 बसेस और 5 बसेस 12 का सीजीओ आप नहीं बोलोंगे, आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज सीजीओ, अ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट, दैट इज ये वाला स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट विच इज एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट रेवेन्यू। ये 5 बस एक अलग सीजीओ बन जाएंगे जो अलग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वे क्लियर। सो व्हाट विल हैपन, समझो इसका रिकवरेबल वैल्यू, समझो रूट वन का रिकवरेबल वैल्यू 150 था, रूट टू का भी 150 था, इसका रिकवरेबल वैल्यू से 20 रुपीज था, इसका 150 था, इसका भी 150 था, देन से ऑल अदर रूट्स का भी, इसका भी 150 था, इसका भी 150 था, ठीक है। से रिटर्न ऑन वैल्यू, रिटर्न ऑन वैल्यू भी सबका 150 था, ठीक है। तो आप क्या बोलोंगे, बिकॉज आप इंपेयरमेंट सीजीओ लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हो, यू विल से रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ ऑल द 7 बसेस कितना हो जाएगा, 150 × 7 That is 1050. Recoverable value कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 150 × 6 that is 900 and एक बस का खाली 20 था तो total recoverable value is only 920. तो आप क्या बोलोंगे, recoverable value of bus is 920, return on value is 1050. आप इधर बोलोंगे कि your CGU is only impaired. CGU is only impaired. In case समझो अगर recoverable value इसका 1500 होता, तो आप क्या बोलते, भले मेरा एक route impaired है, even though my one route is impaired, but whole CGU is not impaired, तो अपन impairment loss निकालेंगे नहीं। Impairment loss कब निकालेंगे, अपन CGU level check करेंगे, अगर CGU impaired होगा तो ही individual asset का impairment होगा, वरना वो impairment होगा भी नहीं। सो हाउ विल वी एलोकेट द सीजीयू का लॉस, वो अपन आगे देखने वाले, बट अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि इन दिस केस अगर समझो असेट का रिटर्न ऑन वैल्यू 1050 होता, रिकवरेबल वैल्यू 1500 होता समझो, तो यू विल से सीजीयू इज ओनली नॉट इंपेयर्ड, हेंस आप इंपेयरमेंट लॉस निकालोगे नहीं। पर अगर आपका रिकवरेबल वैल्यू समझो 920 होता, तो आप क्या बोलते, कैरिंग वैल्यू इज 1050, रिकवरेबल वैल्यू इज ओनली 920, यू वुड से देयर इज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 130 and you would allocate this impairment loss to all the bus. वो भी अपन कैसे allocation करने वाले, we will see in the next part. So now come on next illustration number 7. Come on illustration number 7. A mining entity owns a private railway to support its mining activity. समझो आपके पास एक माइन है, यू हैव अ माइन, सो फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ माइनिंग एंटिटी ओन्स अ प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी, द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली फॉर स्क्रैप वैल्यू एंड इट डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लो फ्रॉम द अदर असेट्स ऑफ द माइन। Should the entity determine the recoverable amount for the private railway or the mining business as a whole? सम क्या है, एक माइन है, माइन के साथ में ये आपका माइन है, आपके लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट रेलवे बना के दिया, यू हैव बीन गिवन प्राइवेट रेलवे, ठीक है, एंड देर इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ रेलवे, ठीक है, कुछ इंडिकेटर है ये रेलवे इंपेयरमेंट हो सकता है। सो व्हाट आर दे सेइंग, अभी समझो अगर ये आईआरसीटीसी होता, अगर रेलवेज होते, तो वो लोग तो ट्रैक से क्या करते, दे कुड हैव इजीली जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रैक्स, बट इन आर केस टेल मी, ये जो माइन वाले, अगर यू आर द पर्सन हु इज द माइन पर्सन, कैन यू जनरेट सेपरेट और इंडिपेंडेंट कैश फ्लोस फ्रॉम दिस माइन? ये आप माइन जो है, माइन सॉरी, ये जो रेलवे से, इससे आपको सेपरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं आने वाला, रेलवे यूज करके सेपरेट कैश फ्लो इनकर कर सकता है, बट ये जो पर्टिकुलर रेलवे है दैट इज नॉट जनरेटिंग सेपरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, सो यू विल से वैल्यू इन यूज जीरो, नहीं इट इज नॉट जीरो, ये रेलवे के बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, अगर रेलवे नहीं होगा तो गुड्स वोंट कम ओनली, सो अ काइंड ऑफ दिस रेलवे इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू टू द माइन। Now let's talk about mine. Mine के लिए भी, mine can generate independent cash flows, correct?
माइन कैन जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो ओनली इफ देर इज रेलवे, मतलब माइन का जो भी रेवेन्यू है और ये जो रेलवे से आएगा ये दोनों एक दूसरे पर बहुत डिपेंड करते हैं. सो वी कैन से कि दिस रेलवे एंड दिस माइन कैन बी टेकन एज पूरा वन सीजीयू, बिकॉज दोनों के कैश फ्लो एक दूसरे पे डिपेंडेंट. माइन कैन नॉट ऑपरेट विदाउट रेलवे, रेलवे होगा नहीं तो माइन का रेवेन्यू नहीं आ पाएगा बिकॉज गुड्स नहीं आ पाएंगे, बेच ही नहीं पाएगा. एंड रेलवे के रेलवे एनीवेज कैन नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द माइन के कैश फ्लो में. सो इन दिस केस, in this case what are they asked in the question, should the entity determine the recoverable amount for the private railway or for the mining business and whole. Private railway ka recoverable value nikal hi nahi payega because value in use iska hai nahi because it is not generating independent cash flow. So you see the smallest group of asset that is generating cash flow, that is mine. So mine or railway dono milke ek cgu ban jayenge. So let's look at the solution on page number 7, page number 5.5 of your solution. In the given case, private railway line does not generate cash flow which is separate from the mine, and hence assessment of impairment should be done for the mining business as the whole, that is the railway line and the other asset of the mine. ये दोनों मिला के आपका एक CGO हो जाएगा, because ये इसके बिना ऑपरेट नहीं कर सकता. रेलवे लाइन कैन नॉट ऑपरेट विदाउट माइन, रेलवे लाइन कैन नॉट इवन जनरेट सेपरेट कैश फ्लोस, तो हेंस वी विल क्लब इट टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ वन सीजीयू. आर वी क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज नोन एज कैप्टिव कंजम्पशन. व्हाट इज कैप्टिव कंजम्पशन? व्हाट डू यू मीन बाय कैप्टिव कंजम्पशन? सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज टाटा, ठीक है, टाटा स्टील है. टाटा स्टील हैज टू असेट, टाटा स्टील हैज टू असेट. उसके पास टाटा माइंस भी है एंड यू हैव टाटा का रिफाइनरी ऑल्सो, ठीक है. नाउ टाटा माइंस से जो भी आउटपुट आ रहा है वो लोग पूरा का पूरा 100% टाटा रिफाइनरी को दे रहे हैं, ठीक है. नाउ हियर द क्वेश्चन इज नॉट वेदर आई एम सेलिंग और नॉट, मैं टाटा अपनी सिस्टर कंपनी को दूं कि बाहर बेचूं. हियर द क्वेश्चन इज टाटा माइन एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो? हियर इज टाटा एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो? बताओ. दैट इज नॉट, इज टाटा माइंस एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो? बोलेंगे यस, बिकॉज सी देयर इज अ मार्केट. अभी माइंस से समझो आयरन ओर निकला, आप बोलेंगे देयर इज एन ओपन मार्केट फॉर आयरन ओर. इफ टाटा रिफाइनरी अगर नहीं भी लेगा ही कैन ऑलवेज सेल इट आउट. तो सीजीयू का मेन क्या है कि आप सीजीयू लेवल पे कब जाते हो? व्हेन द असेट, व्हेन द पर्टिकुलर असेट इज नॉट एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो. हियर जस्ट बिकॉज वो टाटा रिफाइनरी अपने सिस्टर कंसर्न को दे रहा है, दैट डजंट मीन कि इट इज नॉट एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो. एंड इवन फॉर टाटा रिफाइनरी अगर आयरन ओर इसके लिए ओपन मार्केट है तो टाटा रिफाइनरी भी ओपन मार्केट से खरीद सकता है. इवन दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाटा माइंस. सो इन योर केस यू कैन नॉट से कि टाटा माइन एंड टाटा रिफाइनरी आर वन सीजीयू जस्ट बिकॉज टाटा माइन पूरा का पूरा 100% टाटा रिफाइनरी को दे रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन ये नहीं कि आप बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो. आर यू एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो? इफ येस देन दिस इज अ सेपरेट सीजीयू. एंड सिंस ये अगर अलग से बेच सकता है, टाटा रिफाइनरी कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम ओपन मार्केट, उसका भी काम रुकने नहीं वाला है. सो यार दोनों के कैश फ्लोस, बोथ दोनों के कैश फ्लोस आर नॉट इंटरडिपेंडेंट बट दे आर इंडिपेंडेंट. हेंस यू कैन से कि दे आर एबल टू जनरेट सेपरेट, जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोस. हेंस यू कैन से रिफाइनरी भी एक अलग सीजीयू है, टाटा माइन भी अलग कैश जनरेटिंग यूनिट है. ये दोनों एक जनरेटिंग यूनिट नहीं है. बट ऑन द अदर एंड समझो, समझो देर इज नो एक्टिव मार्केट. ये आयरन ओर के लिए देर इज नो एक्टिव मार्केट बिकॉज ये कुछ ऐसा अलग टाइप से आयरन ओर बनाते हैं दैट इज दैट कैन बी ओनली यूज बाय टाटा रिफाइनरी. सो इन दिस केस द टाटा माइन इज नॉट एबल टू जनरेट सेपरेट रेवेन्यू और एबल टू जनरेट, नॉट एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो. एंड सिंस इनका कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, भी टाटा रिफाइनरी को भी अगर आयरन ओर चाहिए
तो उसको भी एक स्पेशलाइज आयरन चाहिए जो खाली टाटा माइन वाला बनाता है. सो योर इवन टाटा रिफाइनरी का कैश फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन, अगर ये आयरन ओर देगा नहीं तो टाटा रिफाइनरी ऑपरेट कैसे करेगा. सो योर बोथ द कैश फ्लोज, दोनों के कैश फ्लोज आर इंटरडिपेंडेंट, आर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. यू कैन से दैट माइन इज द कैन नॉट वर्क एज अ सेपरेट सीजीयू बिकॉज इट कैन नॉट एबल, इट वोंट बी एबल टू जनरेट सेपरेट कैश फ्लोज ऑल टूगेदर. बट आप बोल सकते हो जो कैश फ्लो रिफाइनरी का है वो भी डिपेंड किस पे करता है, टाटा माइन पे, बिकॉज अगर वो आयरन ओर देगा नहीं तो बनाएगा कैसे, बिकॉज इट नीड्स अ स्पेशल आयरन ओर जो मार्केट में नहीं मिलता. सो यर बिकॉज इफ देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर टाटा रिफाइनरी, देयर इज नो एक्टिव मार्केट, तो आप बाहर से खरीद नहीं सकते. तो वी कैन से बोथ ऑफ देम आर इंटररिलेटेड, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. सो वी कैन से वन थिंग दैट इन द अदर केस टाटा माइन, इन द अदर केस टाटा माइन एंड टाटा सीजीओ, टाटा माइन एंड टाटा रिफाइनरी जो भी है, दिस आर वन पर्टिकुलर सीजीओ. वाई? बिकॉज टाटा माइंस के लिए ओपन मार्केट नहीं है, ही कैनॉट सेल इट टू एनीवन, इट कैनॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो. जो भी होगा इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन जनरेटिंग रेवेन्यू टाटा रिफाइनरी, एंड टाटा रिफाइनरी ऑल्सो कैनॉट ऑपरेट बिकॉज टाटा माइन ही देने वाला है. तो इसका भी कैश फ्लो इस पर डिपेंडेंट है, एंड टाटा माइन तो कैन नॉट जनरेट सेपरेट कैश फ्लो. तो दिस बोथ विल बी टेकन एज वन सीजीओ. सो यर वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कैप्टिव कंजम्पशन में वॉट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट द परसेंटेज ऑफ आउटपुट यू आर ट्रांसफरिंग. आप 10% ट्रांसफर करो, 20% करो, 100% करो, दैट डजंट मैटर. वॉट इज द मेन इश्यू कि जो आउटपुट है इज इट हैविंग एन एक्टिव मार्केट, आउटपुट हैविंग एक्टिव मार्केट, वो इंपॉर्टेंट है. सो इफ देर इज एन एक्टिव मार्केट देन डजेंट मैटर बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इट्स ओन. अगर एक्टिव मार्केट है तो माइन भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा और टाटा रिफाइनरी भी कर पाएगा. बट अगर इफ देर इज नो एक्टिव मार्केट देन आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंड प्लांट एंड इनपुट ऑन ए, मतलब इसका आउटपुट इस पे डिपेंडेंट है और इसका इनपुट इस पे डिपेंडेंट है, तो बोलेंगे वो ए की सीजीओ हो जाता है. आर वी क्लियर? सो लेट्स लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 8. फर्स्ट लुक, लेट्स लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 8. Illustration 8. A significant raw material used for plant wise final production, a significant raw material that is used for wise final production is an intermediate product brought from plant X of the same entity. X products are sold to Y at a transfer price that passes all the margin to X. 80% of the Y ka final production is sold to customer outside the entity. So you have a plant X jo ek raw material banata hai, ek intermediate product banata hai, a significant raw material for plant Y. So aapke paas ek plant X hai aur ek plant Y hai, theek hai. Plant X intermediate product banata hai jo kisko dete hai, wo log plant Y ko dete hai at transfer price जहां पे दे पास ऑल द मार्जिन टू द प्लांट वाई, ठीक है, नॉट एन इश्यू. 80% प्लांट वाई जो भी बनाता है 80% इज सोल्ड टू आउटसाइडर कस्टमर. नाउ अपने को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, 60% ऑफ एक्स फाइनल प्रोडक्शन, एक्स जितना भी बनाएगा 60% इज सोल्ड टू वाई एंड 40% इज सोल्ड टू आउटसाइडर कस्टमर. ओके, सो नाउ व्हाट आर दे आस्किंग फॉर ईच ऑफ द केसेस, उन्होंने दोनों केस दिए, व्हाट आर द कैश जनरेटिंग यूनिट्स फॉर एक्स एंड वाई. ठीक है, फर्स्ट केस इफ एक्स, अभी इसको देख के आपको क्या लगता है, आप बोलेंगे एक्स ठीक है वो ट्रांसफर कर रहा है 40%, 60% ट्रांसफर कर रहा है, बट इट कैन इवन जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, ऊप किस पे डिपेंड नहीं करता. अगर कल उठ के प्लांट वाई नहीं भी लेगा तो एक्स कैन सेल इट टू आउटसाइड पीपल ऑल्सो एंड कैन जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो. था बोल सकते हो कि एक्स भी एक सीजीयू है और अगर एक्स बाहर वालों को बेच सकता है, मतलब प्लांट वाई वाले के पास भी ऑप्शन है, इट कैन परचेज फ्रॉम आउटसाइडर. सो योर बोथ द प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से कोई डिपेंडेंट नहीं है.
So we can say they both are separate CGU, it is not one CGU. So what is the first case they want? If X could sell the products it sells to Y in an active market and internal transfer prices are higher than the market price, what are the cash generated? जो अपने discuss किया कि output of X के पास एक active market है कि अगर वो नहीं लेगा plant Y, it can go and sell it in the active market. So we can say X is capable of generating independent cash flow. Similarly, plant Y भी है. Y is also selling 80% to customer. तो ऐसा भी नहीं कि it is dependent on plant X or something. It can sell it to the outside third party also. So this clearly indicates कि plant Y के पास भी एक active market है and Y is not dependent on X and it is capable of generating independent cash flow. Therefore, plant X should be treated as a separate CGU and plant Y should be also treated as a separate CGU. कि इसके पास भी active market है, इसके पास भी active market है. ये अगर 40% ले रहा है, तो ऐसा नहीं कि it doesn't have another option. If it is buying 40%, बाकी वो किधर और से भी ले रहा होगा. It is an active market and it is selling also to plant Y can also generate independent cash flow, so can plant X. दोनों केस में, the first case में both are treated as a separate CGU. Next condition, if there is no active market for product X which sells to Y, what are the cash generating unit? अगर X का कोई active market है ही नहीं, पूरा का पूरा उसको Y को ही देना पड़ेगा. So in that case, what will you do? बोलो, पूरा 100% has to go to Y. So in this case, you can say that plant X is not able to generate separate cash flows. It is dependent on plant Y. It is contributing the value in use. आप बोलोगे value in use इसका zero. अब zero नहीं बोल सकते. It is ऐसा नहीं कि value in use zero है, but it is contributing to a bigger plan. So in this case, there is no active market for product X. Then both X and Y बोल सकते दोनों ही दूसरे पे depend है. ऐसा नहीं है कि दोनों independent है. X and Y are dependent on each other. And hence it should be treated. ये पूरा का पूरा plant X और plant Y को you will treat it as a one CGU. इसको पूरा का पूरा अपन one CGU represent करेंगे because both of them together represent the smallest group of asset which is capable of generating revenue. Because plant Y, अगर X के पास active market नहीं है तो plant Y को भी अगर purchase करना होगा, it doesn't have an active market, it is dependent on X. It cannot individually generate cash flow by producing. Hence, both are interdependent. दोनों को अपन एक ही CGU बोलेंगे. Are we clear? चलो. The solution to this is on page number 5.5. Let's come on to the next illustration. Illustration number 9. XYZ Limited produces a single product and owns plant 1, 2 and 3. एक ही product बनाते हैं, it has 3 plant. Each plant is located in a different country. Plant 1 produces a component. Plant 1 produces a component that is assembled either in plant 2 या plant 3. Plant 1 ने बना दिया और वो खाली assembly के लिए जाता है plant 2 में and plant 3 में. The combined capacity of plant 2 and plant 3 is not fully utilized. That is, XYZ Limited के जो products होते हैं, they are sold worldwide. या तो आप plant 2 से इसको बेच दो, या plant 3 से भी बेच सकते हो product. Worldwide from either plant 2 or plant 3. Example, plant 2 production can be sold in plant 3 का country also. अगर इसने कुछ produce किया है, तो this, he can even sell it in plant 3 and vice versa. Correct? अगर इसमें कभी capacity ज़्यादा हो गया, तो उसमें चला जाएगा, उसमें होगा, तो इसमें. They can sell it to each other country. That plant 2 production can be sold in plant 3 country if the products can be delivered faster from plant 2 than plant 3. Suppose ये country के लोगों को वो particular product चाहिए. प्लांट 3 के पास कैपेसिटी नहीं है, कुछ इश्यू है, बट प्लांट 2 हैज प्रॉपर कैपेसिटी, तो प्लांट 2 कैन असेंबल एंड गिव इट टू द कस्टमर ऑफ प्लांट 3. ये कंट्री में भी वो दे सकता है, प्लांट 3 वाला ये कंट्री में भी दे सकता है. यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ प्लांट 2 एंड प्लांट 3 डिपेंड ऑन द एलोकेशन ऑफ सेल्स बिटवीन द टू साइड. तो कंपनी क्या करेगा,
प्लांट टू प्लांट थ्री का जो कैपेसिटी है, प्लांट टू एंड प्लांट थ्री यूटिलाइजेशन लेवल, यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ प्लांट टू एंड प्लांट थ्री डिपेंड ऑन द एलोकेशन, डिपेंड ऑन द एलोकेशन ऑफ सेल्स बिटवीन टू साइट्स. मतलब इन केस देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर प्लांट वन प्रोडक्ट्स, वो लोग बोल रहे हैं अगर प्लांट वन के प्रोडक्ट्स के लिए कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, व्हाट आर द कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ प्लांट वन टू एंड थ्री. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन. प्लांट वन एक कंपोनेंट बनाता है विच गेट्स असेंबल्ड इन प्लांट टू एंड प्लांट थ्री, बोथ कैन सेल इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज. बट कभी अगर प्लांट टू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया या प्लांट थ्री बहुत बिजी है, तो प्लांट टू में अगर कैपेसिटी कम है तो वो और प्रोडक्ट्स बना के दे कैन सेल इट इन द अदर कंट्री ऑल्सो, एंड प्लांट थ्री ऑल्सो कैन डू द सेम थिंग. कि इफ प्लांट टू में अगर समझो बहुत डिमांड है, प्लांट थ्री में कैपेसिटी कम यूटिलाइज हुआ है, तो कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी कैन ऑर्डर प्लांट थ्री तुम बनाना चालू करो एंड कंट्री थ्री में कंट्री टू में दे दो, प्लांट टू का जो कंट्री है उधर दे दो. सो बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ प्लांट टू एंड प्लांट थ्री इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. आर वी क्लियर? सो व्हाट आर दे सेइंग, अज्यूम कि प्लांट वन का है ना, देयर इज नो एक्टिव मार्केट, इधर तो एक्टिव मार्केट है ही नहीं, ठीक है. सो नाउ टेल मी व्हाट आर द सीजीयूज इस केस में, व्हाट आर द सीजीयूज. सो इन द गिवन केस इफ यू सी द, इफ यू स्टडी द केस प्रॉपरली, आउटपुट ऑफ प्लांट वन वी नो इट डज नॉट हैव अ सेपरेट मार्केट, जो भी आउटपुट है प्लांट वन का इसका सेपरेट मार्केट है ही नहीं, करेक्ट. ये अपन एस्टैब्लिश कर लिया है. सो इसको तो अपन सेपरेट सीजीयू बोल ही नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट जनरेटिंग इंडिविजुअल कैश फ्लोस. नाउ प्लांट टू एंड प्लांट थ्री दे बोथ हैव मार्केट्स, दोनों के पास एक्टिव मार्केट है, बट वी हैव बीन क्लियरली गिवन द एलोकेशन ऑफ सेल्स इज बिटवीन द टू. मतलब दोनों का कैपेसिटी एक दूसरे पर डिपेंड करता है, किसी का ओवर कैपेसिटी हुआ तो दूसरे प्लांट में ही बनेगा, किसी का इधर ओवर कैपेसिटी हुआ तो दूसरे प्लांट में बनेगा. सो वी हैव बीन गिवन दैट एलोकेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम दिस प्लांट डिपेंड ऑन द यूटिलाइजेशन लेवल स्पीड ऑफ डिलीवरी. कि अगर इधर मुझे, अगर ये इधर पर्टिकुलर मुझे सेल करना है, अगर एक्स वाई जेड बोलता है कि आप इधर 10,000 यूनिट्स दे दो और आप इधर 10,000 यूनिट्स दे दो, दोनों प्लांट को इंस्ट्रक्ट किया है कि यू हैव टू गिव इट, यू हैव टू सेल 10,000 यूनिट्स इन प्लांट टू का कंट्री. वन सेकेंड. एक्स वाई जेड इज इंस्ट्रक्टेड कि प्लांट टू यू हैव टू सेल 10,000 एंड यू मीन यू हैव टू सेल 10,000. बट इन अ केस अगर प्लांट टू में ओवर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, अगर या प्लांट थ्री में कैपेसिटी कम है, सो एक्स वाई जेड कैन इंस्ट्रक्ट द अदर प्लांट कि तुम उसका डिमांड पूरा करो. सो एलोकेशन ऑफ सेल्स, दोनों के बीच जो एलोकेशन ऑफ सेल्स होने वाला है दैट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन और प्लांट का कितना डिलीवरी पॉसिबल है. तो दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंड करते हैं, विच डिटरमाइंस दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट टू एंड प्लांट थ्री ऑल्सो. इसको भी अपन सेपरेट सीजीयू नहीं बोल सकते, हिंस अपन क्या बोलेंगे, प्लांट वन प्लांट टू प्लांट थ्री तीनों मिला के एक सिंगल सीजीयू है. आर वी क्लियर? बिकॉज द एलोकेशन ऑफ सेल्स, जो सेल्स होने वाला वो भी एक दूसरे पर डिपेंड करता है. बट टेक अ केस वी आर, दिस इज नॉट इन द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, वी आर डूइंग एन एक्स्ट्रा थिंग, वी आर डूइंग एन एक्स्ट्रा थिंग. वॉट इफ आपने ये जो प्लांट वन में से जो भी आपने बनाया, दैट इज प्लांट टू एंड प्लांट थ्री, समझो पहले के केस में क्या था, इंडिया श्रीलंका ही था, समझो एग्जांपल ये प्लांट इंडिया में था और श्रीलंका में था, तो आप इजीली एक जगह पे ट्रांसफर कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था कि श्रीलंका वाला इंडिया में भी बेच सकता था, इंडिया वाला श्रीलंका में बेच सकता था. बट नाउ व्हाट इफ आपका एक प्लांट इंडिया में है, ठीक है, वन प्लांट इज इन इंडिया, अदर प्लांट इज इन समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया. मतलब जियोग्राफिकल डिफरेंस इतना है कि समझो आपको स्कूटर बेचने का, ठीक है, इंडिया में स्कूटर का डिमांड बहुत है, ठीक है, इधर आपने आपका कैपेसिटी एकदम ओवर हो गया, मतलब यू कैन नॉट जनरेट मोर. इंडिया में बजाज स्कूटर का, बजाज कंपनी, इंडिया में बजाज स्कूटर का इतना डिमांड है दैट
यू आर रनिंग आउट ऑफ कैपेसिटी, यू वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर बोर्ड बट कैपेसिटी नहीं है, प्लांट थ्री जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है वहां पे बजाज स्कूटर का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एक्स वाई जेड वाला क्या बोलता है, हाँ प्लांट थ्री डू वन थिंग, इंडिया में कैपेसिटी बहुत है आप उधर ट्रांसफर कर दो, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जियोग्राफिकल डिफरेंस इतना है, वो स्कूटर बना के इधर लाएगा इधर बेचेगा तब तक वो कॉस्ट में नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली इधर इन दोनों का कैपेसिटी, दोनों का जो कैपेसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट। इवन इफ ऑस्ट्रेलिया में कैपेसिटी कम अंडर यूटिलाइज हो रहा है, आप वो कैपेसिटी का एडवांटेज नहीं ले सकते हो और आप प्लान टू की कंट्री में नहीं दे सकते हो। प्लान टू में भले आप कैपेसिटी बहुत, आपके पास बहुत कम कैपेसिटी है कि यू आपका डिमांड बहुत है, यू वांट टू प्रोड्यूस मोर बट देयर इज नो कैपेसिटी, यू कैन नॉट कॉल अप प्लान थ्री एंड आस्क देम टू मेक बिकॉज जियोग्राफिकल डिफरेंस इतना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो योर इन दिस केस ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अभी होगा क्या, लेट्स टेक फोर केस, ठीक है, चार सिनेरियो लेते हैं अपन, एक है प्लांट वन, लेट्स टेक फोर केसेस, ओके, प्लांट वन, प्लांट टू एंड थ्री। सो लेट्स टेक अ केस जहां पे अगर प्लांट वन का कोई मार्केट ही नहीं है, देर इज नो मार्केट फॉर प्लांट वन, बट प्लांट टू एंड प्लांट थ्री बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये अपना पहला केस था, अपन बोलेंगे ये पूरा सिंगल सीजीयू है, प्लांट वन टू थ्री पूरा एक ही सीजीयू का पार्ट है, अलग अलग नहीं है। वॉट इफ देर इज नो मार्केट फॉर प्लांट वन बट प्लांट टू एंड प्लांट थ्री, अपना वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला केस, दोनों का कैपेसिटी इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोथ हैव टू जनरेट द कैश फ्लोस ऑन देयर ओन। तो इन दिस केस आप क्या बोलेंगे, देर आर टू सीजीयू, देर इज प्लांट टू सीजीयू एंड प्लांट थ्री, दे बोथ आर सेपरेट सीजीयू, और जो प्लांट वन है वो दोनों को आप एलोकेट करोगे इन सम रेशियो में, ठीक है। वॉट इफ देर इज एक्टिव मार्केट फॉर प्लांट वन के आउटपुट बट प्लांट टू एंड प्लांट थ्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये केस में आप पूछोगे कि व्हाट आर द सीजीयूज, आप बोलोगे सिंस प्लांट वन इज एबल टू जनरेट सेपरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, प्लांट वन तो एक सीजीयू रहने वाला है, बट सिंस प्लांट टू एंड प्लांट थ्री दोनों एक दूसरे पे इतना डिपेंड करते हैं दे कैन नॉट जनरेट सेपरेट कैश फ्लो, आप बोलोगे प्लांट टू एंड प्लांट थ्री आर बोथ वन सीजीयू। इफ देर इज एन एक्टिव मार्केट ऑफ फॉर प्रोडक्ट फॉर योर प्लांट वन एंड बोथ द प्लांट टू एंड प्लांट थ्री आर इंटरडिपेंड आर इंडिपेंडेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला केस है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का कैपेसिटी का कुछ लेना देना नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। इन दिस केस व्हाट यू विल से कि प्लांट वन भी एक सेपरेट सीजीयू है, वन सेकेंड, यू विल से प्लांट वन इज ऑल्सो सेपरेट सीजीयू, प्लांट टू इज ऑल्सो सेपरेट सीजीयू and plant 3 is also separate CGU. I hope this will cover all your basic CGU. मतलब क्या कि अगर वो particular plant individual cash flow generate कर सकता है अगर, तो we will take it as a separate CGU. But if in any case both the plants are dependent, तो आप उसको एक ही CGU गिनोगे। अगर both the plants are dependent, we will take it as a single CGU. But if everything is independent, market भी है, independent भी है, तो plant 1 भी जनरेट कर सकता है सेपरेट कैश फ्लो, इवन प्लांट टू कैन जनरेट सेपरेट कैश फ्लो एंड इवन प्लांट थ्री कैन जनरेट सेपरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। तो इन दैट केस वी विल टेक ऑल द थ्री सीजीयू, विल टेक ऑल द थ्री सेपरेट सीजीयू। बट इन आर केस इफ देयर इज नो एक्टिव मार्केट एंड प्लांट टू एंड प्लांट थ्री आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, दोनों एक दूसरे के बिना कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो एवरीथिंग विल बी टेकन एज वन सीजीयू इटसेल्फ। द सॉल्यूशन टू दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 5.5। अभी क्लियर? So this is our illustration number 9.